ब्रह्मा कुमारीज एक खुली किताब की तरह है। यह संस्था विश्व परिवर्तन के भागीरथ कार्य के निमित्त बनी है। यह विचार हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रखे। राज्यपाल ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ ब्रह्मा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। राज्यपाल जी ने कहा कि यहां आकर मुझे जीवन की गहराई को जानने का मौका मिला है। 1936 में ब्रह्मा बाबा ने आंतरिक बदलाव का एक बीज बोया जो आज पूरे विश्व में एक वट वृक्ष की तरह फैल चुका है। पहली बार ORC कैंपस पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल का ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। किसी ने मंच पर गीत गाया तो किसी ने नृत्य पेश कर स्वागत किया। राज्यपाल ने ORC का पूरा कैंपस भी विजिट किया तो बाबा के कमरे में ध्यान भी। उन्होंने कहा कि यहाँ की असीम शांति में आकर वे राजभवन को भी भूल गए हैं। बहुत ही आज आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं सारा राजभवन परिवार सबको भूल गया। यहाँ आने के बाद मुझे कोई दिखा नहीं। सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ ब्रह्मा विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातन देवीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आधार ब्रह्मा बाबा ने रखा। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को सदैव प्रधानता दी। आशा दीदी जी को पूछा था कि ब्रह्मा कुमारी इसको ब्रह्मा कुमारी लोग महिलाओं से ही क्यों प्रेरित दिलाया जाता है, ट्रेनिंग दिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो महिला ही पवित्र और ऊंचे स्थिति में ले जा सकती है, महिला जो शक्ति बहुत बड़ी रहती है। महिलाओं में जो शक्ति है, उनमें जो प्रेरणा देने की जो स्नेह है, मातृत्व है और कर्तृत्व भी बहुत है। तो इसलिए जो स्थापक जो है उन्होंने महिलाओं को लेकर ही इस कार्य को जो किया है, ये बहुत पवित्र कार्य है और ये मंगल कार्य है, पावन का कार्य है। आपने कहा कि आध्यात्मिकता ही मन को सच्ची शांति दे सकती है और मन को श्रेष्ठ दिशा देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस मन को संतुलन रखना, इस मन को प्रसन्नता करना, इस मन को आनंद में ले जाना, वही जो है आध्यात्मिकता है, वही जो है ब्रह्मा कुमारी जी का फिलॉसफी है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी की राजयोग शिक्षा सभी राजनेताओं को सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ सारे देश के MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सारे लोगों को ये ब्रह्मा कुमारी का साधना सिखाने का कोशिश होना चाहिए। ORC की निदेशिका आशा दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा गुरु नहीं थे, वो निराकार शिव परमात्मा के साकार माध्यम बने ताकि सतयुगी दुनिया की स्थापना हो। वहीं हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK शुक्ला दीदी ने कहा कि मानवता की सेवा में ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। राज्यपाल जी की उपस्थिति में ब्रह्मा बाबा का 53वां स्मृति दिवस कार्यक्रम जहां यादगार बन गया, तो वहीं राज्यपाल दत्तात्रेय के लिए भी ORC में बिताए गए यह सुकून के पल बेहद खास बन गए।